हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी टू लर्निंग। माई सेल्फ द्विन कटारिया एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। तो बेटा वेलकम बैक टू द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम रन कर रहे हैं, एंड दैट इज वेव्स। आई होप आपको पहले दो वीडियोस देख के मजा आया होगा। आई होप, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट आई होप, है ना बेटा। हम बहुत मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड आप ही के लिए बना रहा हूँ, एंड आई एम श्योर ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा होगा अगर आप इसे प्रॉपरली देख रहे हैं। तो इस लेक्चर के, इस चैप्टर के बेटा मैं ऑलरेडी दो वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आपने अगर नहीं देखे हैं बेटा प्लीज देख लेना। उससे पहले चार पार्ट में SHM के अपलोड कर चुका हूँ, करेक्ट, उन्हें अच्छे से देख लेना और उसके बाद बेटा इस लेक्चर पे गो थ्रू करना, राइट। और अगर ऐसा करोगे तो ये पूरा SHM वेव्स कंप्लीटली आ जाएगा आपके हाथों में, आपके ग्रिप में, राइट। एंड 100% जो एक से दो सवाल, कम से कम दो सवाल जो इस पे से आने वाले हैं, वो आप हलवे की तरह बड़ी आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो लेट्स मूव अहेड। बिना ज्यादा टाइम लिए बेटा मैं थर्ड पार्ट शुरू करने जा रहा हूं, और इसमें बेटा सबसे पहले मैं एक ट्रिकी बट इंपॉर्टेंट पार्ट उठाने जा रहा हूं, राइट। ट्रिकी बट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दिस पार्ट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, राइट। ये है बेटा रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स। ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसको ना बहुत एलोबरेट करके या तो कॉम्प्लेक्सिटी से जनरली बच्चे पढ़ते हैं। मैं इसको एक स्लाइड में कंप्लीट करूंगा, आराम से अपने दिमाग को लाना हाइपर एक्टिव स्टेट में। इसीलिए मैंने इसको थर्ड पार्ट में डाला है ताकि आप फ्रेशली इसको सुन सको, क्योंकि ये टॉपिक ना वैसा ही है ना। तो आराम से समझ लो हम क्या कर रहे हैं बेटा। एक वेव ले रहे हैं, ये है हमारी इंसिडेंट वेव, ठीक है। ये कौन सी वेव है बेटा? इंसिडेंट वेव, जिसे हमने इंसिडेंट किया। और ये बेटा कितनी स्पीड से आ रही है, मैं इसको एक काम करता हूं V1 लिख देता हूं, यानी कि ये आती है V1 से, बिफोर रिफ्लेक्शन। ये वाला जो पार्ट है बेटा ये अपना रेयरर पार्ट है, देखो, इसीलिए इसको अपने पतली रिंग से बनाया। और ये जो पार्ट है बेटा ये इफेक्टिवली अपने लिए क्या है? डेंसर। आप बोलोगे सर ये रेयरर डेंसर का क्या मतलब है? अरे बात सिंपल है, जहां पे स्पीड घट जाए वो डेंसर, जहां पे स्पीड बढ़ जाए वो रेयरर। समझ गया बात को? मैं एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूं जो आपको शायद थोड़ा परेशान कर सकता है, बट इत्मीनान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा। जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक, जैसे एयर और पानी की बात करते हैं, तो पानी की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए उसमें लाइट की स्पीड कम होती है, इसलिए पानी लाइट के लिए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। बात खत्म। जबकि साउंड की स्पीड पानी में बढ़ जाती है, समझ गए, सॉलिड्स में ज्यादा होती है, लिक्विड्स में ज्यादा, सॉलिड्स में और ज्यादा, गैस में सबसे कम, वैक्यूम में जीरो, यानी साउंड की स्पीड पानी में बढ़ जाती है इसलिए वो रेयरर मीडियम, यानी डिस्की डेंसिटी ज्यादा, लाइट के लिए वो डेंसर बट साउंड के लिए वो रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर, एकाउस्टिकली रेयरर, एकाउस्टिक मतलब साउंड, समझ गए। ये एक पार्ट था, अलग था, थ्योरेटिकल था तो बता दिया, अब इसको वापस साइड में कर दो, दोबारा सुनना है तो वीडियो को पीछे जाके दोबारा सुन लो, ठीक। अब आ जाते हैं इस पे। तो ये मैं रेयरर मान रहा हूं, ये डेंसर मान लो, इसमें स्पीड घटेगी, इसमें स्पीड ज्यादा। यहां से ये वेव आई और जैसे ही टकराई, ये किस मीडियम से टकरा रही है? एक डेंस मीडियम से, डेंस। जैसे ही डेंस मीडियम से टकराई, टकराने के बाद कुछ पार्ट तो आगे चला गया और कुछ पार्ट लौट करके पीछे आ गया, ठीक है। देखो एक पार्ट आगे चला गया ट्रांसमिटेड और एक पार्ट रिफ्लेक्ट होकर पीछे आ गया। और आपने एक चीज ध्यान दी होगा तो ये गया तो ऐसे था लेकिन आया ऐसे है। मतलब ये कि जब कोई वेव एक डेंसर मीडियम से आके टकराती है तो टकराने के बाद उसका जो फेज होता है वो बेटा 180 डिग्री चेंज हो जाता है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि मान लो आप हो, आपको लिया गया एक दीवार है डेंसर मीडियम और आपको उसके अंदर रिफ्लेक्ट कराया गया, तो आपका क्या चेंज हो जाएगा? फेज चेंज हो जाएगा। आई नो इट्स अ वेरी लेम जोक बट ये याद करने के लिए बहुत आसान है। तो जब भी आपको दीवार में मारा जाएगा आपका फेज चेंज हो जाएगा, समझे। आप ट्राई मत करना प्लीज, डोंट ट्राई दिस एट होम, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो फेस चेंज हो जाएगा। कितने से चेंज हुआ बेटा? 180 डिग्री से। कोई दिक्कत इसके अंदर? आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा अगर मैं दूसरा केस लूं कि डेंसर से रेयरर, अब की बार मैं कहां से उठा करके लेके आ रहा हूं? डेंसर। देखो डेंसर से वेव आई, आने के बाद आगे जाने की, ठीक। तो हुआ क्या, एक पार्ट तो पहले की तरह ट्रांसमिट कर गया और एक पार्ट रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया। अब की बार क्या हुआ बेटा कि रिफ्लेक्टेड पार्ट जो है वो पहले वाले पार्ट के साथ फेज में है, देयर इज नो फेज चेंज। समझ गए बात को? यानी कि अगर आपको दीवार से हवा में फेंका जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आ गई बेटा? ऑब्वियस बात है, डेंसर मीडियम में टकराएंगे तो फेज चेंज हो जाएगा, रेयरर में टकराएंगे कोई चेंज नहीं होगा। एक क्वेश्चन तो सीधे यही आ गया, आपसे सीधे बोलेगा कि वेव इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम, व्हाट विल बी द फेज चेंज? आप सीधे सीधे बोलोगे कि भाई डेंसर से टकरा रहा है, पाई का फेज चेंज, रेयरर से टकरा रहा है, नो फेज चेंज। बात खत्म।
अब ये हो गया पहला सवाल, थ्योरेटिकल इसे हटा देते हैं। अब दूसरा सवाल पकड़ते हैं, आप अपनी कॉपी में लिख चुके होंगे, हो वीडियो पॉज करके लिख लेना। दूसरा तरह का जो सवाल आता है वो दिमाग से सुनना, ये बहुत ही कॉमन सवाल है और इतना मतलब इतना इतना आसान सवाल है और फिर भी बच्चा देख के छोड़ता है। मैं समझाता हूं कैसे। आपको बोलेगा कि इंसिडेंट वेव की इक्वेशन है ए आई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, माइनस मतलब फॉरवर्ड। फिर बोलेगा कि भाई रिफ्लेक्टेड की और ट्रांसमिटेड की कोई एक की बोल देगा, ऑप्शन में से बताओ कौन सी सही, और चारों एक जैसी दिख रही होंगी। मैं फर्क बताता हूं आपको, बस ये टिक करना है कि इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्टेड कौन सी और ट्रांसमिटेड कौन सी। आराम से सुनना, सबसे पहले तो ए आई की जगह हो जाएगा ए आर, इसमें कोई दोराय नहीं है, ठीक। दूसरी चीज बेटा, यहां जो साइन है यहां के एक्स माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। आप बोलोगे सर ये प्लस क्यों किया, सबसे पहला चेंज क्या हुआ, माइनस की जगह प्लस। कारण क्योंकि पहले इंसिडेंट वेव आगे जा रही थी, रिफ्लेक्टेड कहां जा रही है, पीछे पीछे, इसलिए क्या कर दिया वहां पे प्लस कर दिया। अच्छा देखो, के में और ओमेगा में कोई चेंज नहीं है क्योंकि जो मीडियम पहले था वही मीडियम में वापस चली गई, तो कोई लोड नहीं लेना अपने को। इतनी बात समझ आई, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसके अलावा बेटा इफेक्टिवली अगर मैं सिर्फ इसे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो यहां पे एक माइनस साइन आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि पाई का फेस चेंज हो चुका है, बताया ना रिफ्लेक्ट होके, बट वो अपने आप आता है, अपने को लोड नहीं लेना। बट यहां पे अगर नंबर लिखा हुआ है 10 तो माइनस आगे होना ही चाहिए। समझ गए मेरी बात को, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नंबर मैग्नीट्यूड बोल रहा हूं यार का। अब ट्रांसमिटेड की अगर बात करें तो बेटा ट्रांसमिटेड की अगर बात करोगे तो ट्रांसमिटेड में ए टी ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड। इसके अलावा बेटा यहां पर जो है ये साइन, ठीक, के क्या होता है 2π/λ, ठीक है। लैम्डा मतलब बेटा वेवलेंथ, वेवलेंथ जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हो तो बदल जाती है, वेवलेंथ के साथ साथ स्पीड भी बदल जाती है, वेवलेंथ के साथ साथ वेव नंबर भी बदल जाता है। समझ गए, क्या नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, वो सोर्स पे डिपेंड करती है। तो यानी कि ये जो के है ये बदल के क्या हो जाएगा, के डैश, बस इतना ध्यान रखना कि अलग है, एक्स की जगह एक्स, और बेटा ट्रांसमिटेड वेव तो आगे ही जा रही है इसलिए इसमें माइनस लगेगा। साथ में देखो ओमेगा की जगह क्या लिख देंगे, ओमेगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा क्या है 2πf, मतलब है ना ओमेगा इक्वल टू 2πf, f में कोई चेंज नहीं है तो ओमेगा में भी कोई भी चेंज नहीं। बोले ठीक है सर, बात समझ आ गई। इन तीनों को ओमेगा एक जैसा, साइन जो आगे जा रहा है उसका पॉजिटिव, जो पीछे जा रहा है उसका नेगेटिव, एम्पलीट्यूड्स अलग अलग, यहां माइनस साइन लगाया, क्यों, क्योंकि ये पाई का फेज चेंज हो जाता है। क्लियर बेटा। और इसके अलावा के डैश, अब बेटा ये आपको पता थी, ये दोनों आप निकाल चुके हो, ये बन गया एक सवाल। समझ गए, आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद बेटा थर्ड पार्ट देखो, अरे थर्ड क्वेश्चन कैसे आता है, ये कम आता है लेकिन आ सकता है। आपको बोलेगा इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड ये लो और हमें बताओ कि ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड कितना आएगा। ठीक है, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड का हम देखो कैसे करते हैं। हमारे पास बेसिक सा फॉर्मूला है, ए रिफ्लेक्टेड इक्वल टू ए इंसिडेंट, ए इंसिडेंट। आराम से सुनना बेटा, जिधर ये v1 मान ली थी जो रिफ्लेक्टेड वेव है उस मीडियम में स्पीड कितनी मान लेते हैं v2, और अपने को ये भी पता है कि बेटा जो v1 है ये v2 से क्या है ज्यादा, क्योंकि रेयरर में ज्यादा होती है स्पीड। ठीक है, अच्छा तो यानी कि मैं यहां से सीधे सीधे लिखूंगा बेटा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। समझ गए, ये फॉर्मूला है। और आप खुद देखो बेटा v2 माइनस v1 करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव, इसलिए a रिफ्लेक्टेड a इंसिडेंट का उल्टा आता है। तो a इंसिडेंट अगर ऊपर था तो बेटा a रिफ्लेक्टेड नीचे आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, इसी तरह से बेटा अगर a ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला पूछे तो देखो a इंसिडेंट ऐसे कैसे, यहां पर लिखना है 2v2 जिस मीडियम में जा रहा है उसका स्पीड डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। बेटा दीज आर द टू फॉर्मूलाज जो आपको, फिर से कह रहा हूं, घोट के आपको पी जाने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इस पे भी आता है। तो इफेक्टिवली पूरे रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स पे बेटा तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला कि अगर डेन से रिफ्लेक्ट कर रहा है तो क्या फेज चेंज होता है, यस पाई का फेज चेंज, क्या रेयरर से करेगा तो होगा, नहीं होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इंसिडेंट की इक्वेशन गिवन है, रिफ्लेक्टेड की और ट्रांसमिटेड की बतानी है, ये नंबर लिखा होगा 10, 25 तब माइनस बाहर होना चाहिए। समझ गए, इसके अलावा अंदर माइनस की जगह प्लस होना चाहिए और कोई चेंज नहीं, सीधे ऑप्शन देख के बता देना है। ट्रांसमिटेड में बाहर कोई नेगेटिव नहीं आएगा, इसके अलावा अंदर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि ये भी आगे ही जा रही है, और के की जगह के डैश आ जाएगा। ठीक, तीसरा सवाल आपसे बोलेगा कि इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड दे दिया तो बताओ, इंसिडेंट का दे दिया तो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड का कितना होगा, सीधे फॉर्मूले लिखवा दिए बेटा आपको, इनको घोट के पी जाना।
करेक्ट। और बेटा इतना करने के बाद आई डोंट थिंक रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन फंसेगा। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एक एडिशनल लास्ट छोटी सी बात बता रहा हूं, मन करे तो लिख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। वो ये है कि कभी कभी एक टर्म यूज होती है, फिक्स एंड फ्री एंड। फिक्स एंड का मतलब रस्सी को बांध दिया, फ्री एंड मतलब एक रिंग लगा दी। तो फ्री एंड का मतलब बेटा होता है रेयरर मीडियम, फिक्स्ड एंड का मतलब होता है डेंसर मीडियम। बस इसको याद रखना, कहीं अगर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं है, वही सब करना है जो डेंस के लिए करते हैं। डेंस मतलब फिक्स्ड एंड और रेयरर मतलब फ्री एंड रिंग, करेक्ट। आई होप अब आप इस पॉइंट को भी कॉपी कर चुके हो। और बेटा अब मैं जा रहा हूं आगे अगले पॉइंट के ऊपर, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। ऑल्दो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये थोड़ा सा ट्रिकी भी था, मैंने पूरी कोशिश की कि एक स्लाइड में से एक बार कर दो। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो फिर वीडियो को आगे लेके जाना, नहीं तो पॉज करके इस पार्ट को दोबारा सुनना, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बेटा अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट, जो अभी तो फिर भी रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, बट बेटा जब आप ऑप्टिक्स पढ़ोगे ट्वेल्थ में तब ये बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि ये पूरा टॉपिक फिर से उठ के एज इट इज आपके पास आ जाएगा, राइट। तो इंटरफेरेंस लाइट में भी होता है, साउंड में भी होता है। अभी हम बात करेंगे साउंड की, फिर ऑप्टिक्स में बात करेंगे लाइट की, ठीक है। तो ढंग से सुनना, अच्छे से समझना, कोशिश करना कि बेटा इसको इत्मीनान से आराम आराम से पेन साइड में रख दो, पहले सुन लो आराम से समझ लो, उसके बाद लिखना शुरू करना। देखो सबसे पहले तो बेटा ये समझना जरूरी कि व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। ये सब डायग्राम छोड़ दो, सिर्फ हेडिंग पर ध्यान दो, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इसका मतलब ये है कि बेटा आपने दो वेव्स को, दो वेव्स कौन सी दो वेव्स बेटा, जो एक डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो दो वेव्स हैं ये कहां से आ रही हैं, ये आ रही हैं दो कोहेरेंट सोर्सेस से। This is the only condition for interference. भले किताबों में तीन चार तरह की equations दे रखी हों, conditions दे रखी हों, but actual condition is this only. कि sources कैसे होने चाहिए, coherent होने चाहिए, coherent. आप बोलोगे सर coherent का मतलब क्या है, अरे coherent का मतलब है कि इनके बीच में जो phase difference होता है, यानी कि delta phi, ये बेटा क्या होना चाहिए, constant, यानी कि नियत। समझ गए बात को। तो जब कभी भी दो वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस टाइम के साथ कांस्टेंट रहे तो उन दोनों सोर्सेस को हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट कहते हैं। समझ गए बात को बेटा। और जब कोहेरेंट सोर्सेस से वेव्स प्रोड्यूस होंगी तभी वो क्या करेंगी, सुपरइंपोज करके इंटरफेरेंस करेंगी। अगर कोहेरेंट सोर्सेस नहीं है तो इंटरफेरेंस नहीं करेंगी। कई बच्चे इनफैक्ट एडल्ट्स भी ये कहते हैं कि बेटा फ्रीक्वेंसीज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बेटा देखो कोहेरेंट सोर्सेज जो है ना वो एक ही सोर्स से बना सकते हैं, टू डिफरेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट, ये दिमाग में बिठा लेना। दो अलग अलग सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, इसलिए आप एक सोर्स से बनाते हो। एक सोर्स लिया, मिरर लगा दिया, उसकी इमेज, ये दो सोर्सेज हो गए, ये एक जैसे, इसलिए कोहेरेंट। समझ गए। और बेटा जब एक ही सोर्स से बनेगा तो फ्रीक्वेंसी तो सेम होना ही पड़ेगा, तो जैसे आपने बोला कोहेरेंट ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसीज भी सेम हो गए। समझ गए। बाय एनी मीन्स इफ इट इज अ पॉसिबल कि भाई कोहेरेंट सोर्सेज हो लेकिन फ्रीक्वेंसीज फिर भी क्या हो, डिफरेंट हो, तो बेटा वो भी क्या करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे। स्टेबल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे बट इंटरफेरेंस करेंगे। समझ गए। तो हम कुल मिलाकर के इसको समराइज करते हैं, इंटरफेरेंस के लिए सोर्सेज का कोहेरेंट होना मैंडेटरी है, इट इज मैंडेटरी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, करेक्ट। द ओनली कंडीशन आई वुड से, ठीक है, इकलौती कंडीशन जो है वही है, करेक्ट। तो दो वेव्स हैं एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और दोनों क्या कर रही हैं, कोहेरेंट सोर्सेस से आ रही हैं, मतलब ऐसे सोर्सेस से जिनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट। अब इन दोनों को सुपर इंपोज कराया, तो जब इन दोनों को सुपर इंपोज कराया बेटा तो ये कुछ कुछ ऐसा ऐसा बन गया। समझ गए। मतलब कहीं पे मुझे इंटेंसिटी जो थी वो मैक्सिमम दिखाई दी और कहीं पे जो मुझे इंटेंसिटी थी वो मिनिमम दिखाई दी, यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम होती गई, यानी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया। देखो दिमाग से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोलने जा रहा हूं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया एक्स एक्सिस पे मुझे कहीं इंटेंसिटी मैक्सिमम, कहीं मिनिमम, कहीं मैक्सिमम, कहीं मिनिमम दिखी, इसे इंटरफेरेंस कहते हैं। समझ गए। बीट्स भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है,
विस्पंद जिसे कहते हैं हिंदी में। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि भाई बीट्स और इंटरफेरेंस में डिफरेंस क्या है। मैं जब बीट्स पढ़ाऊंगा तो क्लियरली दोबारा समझाऊंगा, अभी समझ लो। इंटरफेरेंस का मतलब जब आप एक्स एक्सिस पे चलोगे तो कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, कहीं मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, इसे हम कहते हैं बेटा इंटरफेरेंस। सो इंटरफेरेंस का डेफिनेशन क्या हुआ? इट्स अ फिनोमिना। एक मिनट बेटा एसी ऑन कर लो, गर्मी लगी। सो इट्स अ फिनोमिना इन विच टू वेव्स traveling in the same direction superimpose in such a way that intensity at some points is maximum and at some points it's minimum, correct? तो इस phenomena को हम कह देते हैं बेटा interference। देखो मैंने इसे समझाने के लिए एक छोटा सा diagram लिया। यहाँ पर जो दोनों waves हैं, ये दिखने में एक जैसे हैं, but दोनों में फर्क है, अच्छे समझना, ठीक है? अच्छे समझना, कहाँ गया कलर ये ना? तो ऐसे समझो ये वाला, ठीक? नहीं ये वाला, ठीक? देखो ये जो दो waves है ना बेटा, ये दोनों identical है, यानी दोनों एक ही फेज में। देखो बिल्कुल कॉपी पेस्ट, बिल्कुल यहां मिनिमा मिनिमा, मैक्सिमा मैक्सिमा, मिनिमा मिनिमा, मैक्सिमा मैक्सिमा, तो ये दोनों फेज में है। तो जब ये सुपर इंपोज करती हैं, करेक्ट, तो देखो आपको क्या मिलता है, मैक्सिमा 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 मैक्सिमा, दोनों ऐड होके इंटेंसिटी को मैक्सिमम कर देते हैं, ठीक है? लेकिन इसी की जगह बेटा जब मैंने क्या किया, ऑपोजिट लिया। देखो यहां पॉजिटिव एम्पलीट्यूड या माइनस है, करेक्ट, यहां वाली से तो यहां पे प्लस है, ऑपोजिट है, आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज मतलब पाई का फेज डिफरेंस। बेटा ऐसे केस में जब जोड़ते हैं तो प्लस है और माइनस है मिलके क्या देता है, जीरो। यानी कि यहां पे जब देखोगे तो बेटा एम्पलीट्यूड क्या हो गया, मिनिमम। इसीलिए इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नाम से ही पता चल रहा है। कंस्ट्रक्टिव मतलब जब एडिशन हो, जब एम्पलीट्यूड क्या हो अपना बेटा, एम्पलीट्यूड अपना ए मैक्स हो, या फिर अपनी जो इंटेंसिटी है बेटा वो क्या हो, आई मैक्स हो, करेक्ट। जबकि यहां पर अगर बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव, नाम से पता चल रहा है, तो यहां पे बेटा एम्पलीट्यूड क्या होता है, ए मिनिमम, इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम। आई होप दिस इज क्लियर, करेक्ट। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, दो वेव्स का सुपरपोजिशन, सच दैट कि कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, कहीं पे इंटेंसिटी मिनिमम, इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है? और इसके अलावा अगर हम बात करें, ये दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब जब दोनों सेम वेव्स, फेज जो वेव्स हैं जो इंटरफेयर कर रही हैं, वो अगर सेम फेज में है तो दोनों ऐड हो जाती है, इसलिए इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, इसलिए इसे कंस्ट्रक्टिव कहते हैं। अगर आप देखोगे तो इसे संपोषी इंटरफेरेंस भी कहते हैं बेटा, इसे डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं विनाशी, ठीक? कारण क्या है, क्योंकि यहां पे ऑपोजिट फेज में होती है, तो एक दूसरे को कैंसिल करके नेट क्या हो जाता है, जीरो, मिनिमम हो जाता है। समझ गया बात को? तो बेटा ये दो अलग अलग तरह के इंटरफेरेंस पैटर्न है। इस पे अभी कोई क्वेश्चन एज सच नहीं आता, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई मुझे ये बता दो कि क्या कंडीशन है, तो आप सीधे सीधे क्या बोलोगे कि ये जो वेव्स हैं कहां से आ रही है, कोहेरेंट सोर्सेस से आ रही है, कोहेरेंट सोर्सेस से, यानी ऐसे सोर्सेस से बेटा जिनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है, कॉन्स्टेंट विथ टाइम। क्या बात समझ आ गई? अगर आ गई हो तो आगे बढ़ना बेटा, क्योंकि अब हम जा रहे हैं इसके मैथमेटिकल एप्लीकेशन पे, ठीक है? और उसके लिए मुझे समझना पड़ेगा कि मैथमेटिकली इसको डील कैसे करना है। ऐसे समझ लो पूरे इंटरफेरेंस का कोर है ये, तो अपने दिमाग को एकदम एक्टिव स्टेट में लाओ, बढ़िया ठंडा पानी पियो, ठीक? और अच्छे से अटेंटिवली सुनना बेटा, फोकस के साथ। तो देखो हमने बोल दिया कंस्ट्रक्टिव एक है अपने पास, डिस्ट्रक्टिव एक है अपने पास। कंस्ट्रक्टिव के लिए बेटा देखो मैंने क्या कहा था कि जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, ए मिनिमम। मैं काम करता हूँ बेटा, वो तो हम पहले भी बता चुके हैं ना, एम्पलीट्यूड मिनिमम मैक्सिमम। तो देखो थोड़ा ढंग से लिखने की कोशिश करता हूँ बेटा, ए मिनिमम जो निकल के आएगा यहाँ पे बेटा, सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक, ठीक है? दोबारा बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि बेटा अगर मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। यहाँ पे बेटा एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, मिनिमम। इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए बेटा, मिनिमम, ठीक? अच्छा एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम के लिए बेटा कॉस फाई को कितना होना पड़ेगा, वन। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था रिजल्टेंट का, रूट ओवर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाई। तो मैक्सिमम करने के लिए कॉस फाई को क्या करना पड़ेगा, वन। और बेटा जैसे ही कॉस फाई को हम वन करते हैं तो यहां से जो फाई निकल के आता है बेटा वो जीरो, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, टू पाए या फिर फोर पाए, ऐसे करते करते बेटा कहां तक पहुंचेंगे, टू एन पाए तक पहुंचेंगे, ठीक? इसके अलावा बेटा अगर मैं डेल्टा एक्स लिखना चाहूं, पाथ डिफरेंस, याद करो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था पाथ डिफरेंस, अगर नहीं देखा है तो देख लेना, तो वहां पे मैंने एक फॉर्मूला बताया था, मैं लिख देता हूं आपके लिए ऑल्दो, कि टू पाए बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, इसको बोलते हैं बेटा फेज डिफरेंस।
तो आप खुद देखो बेटा, अगर डेल्टा एक्स चाहिए होगा तो लैम्डा बाय टू पाई को उधर ले जाऊंगा, ठीक है, आराम से सुनना। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, तो मैंने कहा लैम्डा बाय टू पाई, ठीक है, इनटू ये कितना बेटा 2n पाई। अपने आप देखो बेटा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा n लैम्डा, समझ गए। जहां पे n कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, जीरो से, यानी इफेक्टिवली जीरो लैम्डा, टू लैम्डा से लेकर के n लैम्डा। आई होप दिस इज क्लियर, करेक्ट। तो कंडीशन पता लग गई कि कंस्ट्रक्टिव के लिए cos phi एक होना पड़ेगा, phi 0 2 पाई 4 पाई ऐसे करके 2n पाई होना पड़ेगा, और डेल्टा x n लैम्डा होना पड़ेगा, मतलब 0 लैम्डा 2 लैम्डा एंड सो ऑन। इसके साथ साथ बेटा अपने को ये भी पता होना चाहिए कि जो हम ये a max बोल रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। तो बेटा इसका जो एक्सप्रेशन निकल के आता है वो कितना आता है, a1 plus a2, ठीक है, a1 plus a2। जबकि अगर मैं i max की बात करूंगा बेटा, तो cos phi जैसे ही 1 डालोगे ना, तो आपको फॉर्मूला निकल के आएगा रूट के अंदर i1 plus i2 का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल रटे होने चाहिए बेटा, दोनों काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, करेक्ट। a max कितना, a1 plus a2, I max कितना, रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। बोले ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ आ गई, पूरा अच्छे से ध्यान से सुना। अब यही सारी चीजें बेटा ए मिनिमम के लिए कर देते हैं, ठीक है, यही सब किसके लिए करते हैं, ए मिनिमम के लिए। तो बेटा ए मिनिमम के लिए मुझे cos phi को कितना करना पड़ेगा, माइनस वन, किसको करना पड़ेगा, cos phi को, phi जैसा तो दिखे, ठीक। इसका मतलब बेटा phi कितना हो जाएगा अपने पास, pi 3 pi 5 पाई से लेकर के बेटा 2n, ठीक है, n अपन कहां से चालू कर रहे हैं, n 0 से चालू कर रहे हैं, तो 0 से चालू कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 2n plus 1 पाई, समझ गया बात को। जैसे ही n 0 डालोगे बेटा पाई, जैसे ही n 1 डालोगे 3 पाई, ऐसे। इसी तरह से बेटा डेल्टा x जब निकालेंगे, डायरेक्ट लिख देता हूं, 2n 0 से चालू कर रहे हैं इसलिए प्लस लैम्डा बाय 2, करेक्ट। यानी कि जैसे ही n 0 डालोगे बेटा, ये आएगा लैम्डा बाय 2, फिर आएगा 3 लैम्डा बाई 2, ऐसे करते करते 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। आई होप दिस इज क्लियर बेटा, करेक्ट। तो ये अपने पास पता चल गया पार्ट डिफरेंस। इसी के तरह बेटा अगर मुझे a मिनिमम चाहिए, तो a मिनिमम का जो फॉर्मूला है बेटा वो आएगा a1 माइनस a2। और बेटा अगर मैं i मिनिमम की बात करूं, तो i मिनिमम जो है वो कितना है, रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। आई होप बेटा ये पूरा पार्ट समझ आया होगा, एक बार और अच्छे से देख लो। कंस्ट्रक्टिव के लिए ए मैक्स आई मैक्स, कॉस फाई 1, फाई 0 से लेकर के 2 पाई, 4 पाई से 2n पाई, पार्ट डिफरेंस n लैम्डा, 0 लैम्डा 2 लैम्डा एंड सो ऑन, दोनों में n 0 से चालू है, ए मैक्स a1 प्लस a2, आई मैक्स रूट i1 प्लस रूट i2 का स्क्वायर, ठीक। उसी तरह बेटा अगर डिस्ट्रक्टिव की बात करें, a मिनिमम i मिनिमम, cos phi अपने पास -1, phi कितना हो जाएगा, pi 3 pi 5 pi एंड सो ऑन, करेक्ट। इसका मतलब 2n plus 1 pi, अगेन n 0 से स्टार्ट, पार्ट डिफरेंस हो जाएगा 2n plus 1 lambda by 2, यानी lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2 एंड सो ऑन। इसके अलावा a मिनिमम का फॉर्मूला बेटा a1 minus a2, i मिनिमम का फॉर्मूला रूट i1 minus रूट i2 का होल स्क्वायर। तो आई होप बेटा ये पूरा चार्ट आपको ठीक से क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार हट जाता हूँ, आप आराम से वीडियो पॉज करके और ये पूरा डेटा कॉपी कर लो ठीक से, और उसके बाद घोट के बढ़िया से पी जाओ, क्योंकि बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। स्पेशली एक तो ये मैक्सिमम मिनिमम वाले फॉर्मूले, कौन कौन से, मैक्सिमम मिनिमम वाले, और दूसरे फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, इफेक्टिवली सब कुछ, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर ये आपको समझ आ गया तो, है ना, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्वेश्चन वगैरह कैसे आएंगे, ठीक है। तो लेट्स गेयर अप, अपने आप से सॉल्व करना एग्जांपल, फिर देखना और बताना है कि भाई आंसर सही है कि नहीं आ रहा है। आई होप कि सही आए और मुझे भरोसा है कि सही आएगा, गड़बड़ हुई तो चेक करना गलती क्या है, हाईलाइट करके लिख लेना, अगली बार वो गलती मत कर, ठीक। तो बेटा लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं, है ना, जो हम लोग बात कर रहे थे कि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पूछा जा सकता है। आराम से समझना, बहुत ही आसान सवाल है, एकदम ही आसान सवाल, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, देखो हमें बोला है टू वेव्स हैविंग एम्पलीट्यूड ए एंड 2a, ठीक है, यानी कि दो वेव्स दे रखी है जिनका एम्पलीट्यूड कितना कितना है बेटा, a और 2a। देखो बेटा हमेशा ना ये जो डेटा होता है ना क्वेश्चन में गिवन होता है, उसको सर्कल कर लिया करो, एज अ स्टूडेंट मैं बता रहा हूं, जब कभी भी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो कई बार ऐसा नहीं होता कि सिली मिस्टेक्स हो जाती है, रीड करने में दिक्कत हो गई, है ना, जैसे कि बोलते हैं कि सर करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया, 2 को 4 पढ़ लिया, 4 को 1/4 पढ़ लिया। तो बेटा ये जो सारी चीजें है ना, ये सिर्फ एग्जाम प्रेशर की वजह से होती है। आप खुद सोचो ना बेटा कितना हाई ट्रेमेंडस प्रेशर दिमाग पे होता है कि हम 2-3 साल की मेहनत के बाद वो एग्जाम देते हैं, गलती से कुछ गड़बड़ हो गई तो सारी मेहनत बेकार। तो उस प्रेशर के अंदर इस तरह की गलतियां कभी कभी हो जाती है, उसको लेकर परेशान नहीं होना है।
थोड़ा सा आदत को सुधारो। जब क्वेश्चन करते हो, पहली बार पढ़ते हो, तो काम काम चीजों को अंडरलाइन कर लो, उस वक्त ब्रेन फोकस हो जाएगा जो काम की चीज है, फिर वो सिली मिस्टेक जैसी चीजें कम होना शुरू हो जाएंगी। तो एक बार ट्राई करना, आई होप कि इट विल बी हेल्पफुल। मेरे साथ तो बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ए और टू इंटरफेरेंस है, आपको रेशियो बताना बेटा, देखो किसका, मैक्सिमम टू मिनिमम एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, यानी एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का बेटा मैक्सिमम और मिनिमम का दोनों का रेशियो हमें बताना है कितना होगा, ठीक। आराम से सुनना, हमें पता है बेसिक फॉर्मूला बेटा, ए मैक्स बाय ए मिनिमम। बेटा इसका जो फॉर्मूला है ए मैक्स का, ये होता है बेटा ए वन प्लस ए टू डिवाइडेड बाय ए वन माइनस ए टू, क्योंकि हमने अभी अभी देखा था कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब ए वन प्लस ए टू, मिनिमम एम्पलीट्यूड मतलब ए वन माइनस ए टू, और मुझे दोनों का रेशियो चाहिए था तो दोनों को डिवाइड कर दिया। और ए वन और ए टू कितना है, ए और टू है। बड़ा खट से आंसर कितना निकल के आएगा, थ्री कैपिटल ए डिवाइडेड बाई ए, यानी इफेक्टिवली बेटा 3:1। बोले सर ये तो बहुत ही आसान था, मैं कहता था आसान, लेकिन ये बहुत कन्वेंशनल सवाल है, नहीं करेंगे तो रह जाएगा, तो करना तो पड़ेगा, ठीक। इसी तरह से बेटा कभी कभी आपसे बोला जाता है इंटेंसिटी की बात करो, तो देखो इंटेंसिटी का जो वैसे बेसिक फॉर्मूला होता है आई मैक्स बाय आई मिनिमम, हमने इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड में देखा था बेटा, वो कितना था, रूट के अंदर आई वन प्लस रूट के अंदर आई टू का बेटा होल स्क्वायर था। अभी मैं लगाऊंगा होल स्क्वायर, टेंशन मत लो। रूट आई वन माइनस बेटा रूट के अंदर आई टू इस पूरे का होल स्क्वायर। तो अगर मुझे एम्पलीट्यूड की जगह इंटेंसिटी गिवन होता तो मैं ऑफकोर्स ये फॉर्मूला यूज करता, बट मुझे तो एम्पलीट्यूड गिवन है। तो ऐसे केसेस में बेटा रूट आई को उठा के मैं क्या डाल सकता हूं, ए। आप बोलोगे कैसे, अरे मैंने बताया तो था कि एम्पलीट्यूड जो स्क्वायर है उसको इंटेंसिटी से प्रोपोर्शनल है, मतलब आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो बेटा ए प्रोपोर्शनल टू रूट आई, तो रूट आई को उठा के क्या बोल सकते हैं, ए। तो ये जो इफेक्टिव फॉर्मूला बनेगा ना बेटा, ये बन जाएगा ए वन प्लस ए टू अपॉन ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर। अब बेटा यहां पे ए वन ए टू क्या डाल दोगे, ए और टू ए, इफेक्टिवली थ्री ए और ए का स्क्वायर करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 9:1। समझ गए बात को, तो यानी कि मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी के लिए या तो रूट आई वन प्लस रूट आई टू अपॉन रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर यूज करेंगे, या ए वन प्लस ए टू अपॉन ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर यूज करेंगे। अब वो बेटा जो डेटा गिवन होगा उस हिसाब से फॉर्मूला यूज कर लेंगे, उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन बेटा, दोनों पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए तो इसे कॉपी कर लो और फिर बेटा अगले पार्ट पे चलते हैं ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखो बेटा ये जो प्रॉब्लम्स है ना बेटा, ये बेसिक सॉरी वंस अगेन सॉरी या अब फाइनल हो गया। तो जो ये प्रॉब्लम्स है बेटा, ये बेस किस पे है, ये बेस्ड है डेल्टा एक्स पे। डेल्टा एक्स बोले तो बेटा पाथ डिफरेंस पे बेस्ड है, करेक्ट। तो पाथ डिफरेंस का मतलब डिफरेंस इन द पाथ फॉलोड बाय द वेव्स, और हमने ये पढ़ा था पिछले से पिछली स्लाइड में, कोई ज्यादा जमाना नहीं हुआ उसको पढ़े हुए, कि अगर कंस्ट्रक्टिव है तो पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होना चाहिए, अगर डिस्ट्रक्टिव है तो पाथ डिफरेंस टू एन प्लस वन लैम्डा बाय टू होना चाहिए, ठीक। अब देखो उसी को यूज करके कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें जो पहला क्वेश्चन है बेटा, मैं यहां से समझाता हूं, ये एक सिस्टम जैसा दे रखा है, ये दे रखा है डी मतलब ये भी डी ये भी डी, ये रेडियस दे रखा है आर मतलब ये टोटल कितना 2R, और हमें बोला गया कि भाई आप एक काम करो, आप ना एक डिटेक्टर ले लो, क्या ले लो डिटेक्टर, डिटेक्टर को कहाँ रख दो बेटा यहां पे कैपिटल डी। डिटेक्टर का काम होता है बेटा साउंड को डिटेक्ट करना, और एक बोलते कि यहां पे ना सोर्स भी ले लो, एक काम करो क्या ले लो एक सोर्स, सोर्स सोर्स ठीक से लिखते हैं ना, देखो बेटा यहां पे और क्या ले लो सोर्स, कितना भी ठीक से लिखूं उल्टा तो कैसे लिखूं यार, समझ गए ना मेरी मजबूरी समझो, अरे यार मजा आ गया, ठीक। तो कुल मिला के यहां पे क्या एक सोर्स, किसका सोर्स है बेटा साउंड का सोर्स है, यहां से साउंड आ रहा है, ठीक है। तो सोर्स ने कुछ लेट्स से आपको बोला कि भाई लैम्डा वेवलेंथ का साउंड एमिट किया, तो ये बोलेगा कि भाई डिटेक्टर जो है ना वो मैक्सिमा सुनना चाहता है, अधिकतम मैक्सिमम इंटेंसिटी सुनना चाहता है, तो इसके लिए बताओ आर और डी के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। हमने कहा देखो हमें इतना तो नहीं समझ आता, इतना समझ आता है कि मैक्सिमा का मतलब जो पाथ डिफरेंस आना चाहिए वो पाथ डिफरेंस कितना आना चाहिए, वो एन लेमडा आना चाहिए मैक्सिमा के लिए, बोले ठीक। और पाथ डिफरेंस एन लेमडा के लिए जो आना चाहिए वो कहां का, किन दोनों का पाथ डिफरेंस, दो वेव्स का जो इंटरफेयर कर रही है। अब देखो दो वेव्स कहां से, एक ही सोर्स से, एक वेव ऐसे करके ऐसे आएगी और एक वेव ऐसे जाकर के बेटा ऐसे आएगी, समझते हो। तो बनाने की कोशिश करता हूं, है ना, आराम से समझना।
एक वेव ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे ऐसे करते हुए करते 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 यहां आ जाएगी, इसको बोलो बेटा वेव वन। दूसरी जो वेव आएगी बेटा, दूसरी जो वेव आएगी वो यहां से ऐसे ऐसे करते करते फिर ऐसे 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 फिर ऐसे 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 पहुंच जाएगी। मतलब ये हो गई बेटा वेव नंबर टू। तो बेटा जब दोनों वेव के बीच में जो पार्ट डिफरेंस आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, एन लैम्डा मैक्सिमा के लिए। तो लिख रहा हूं बेटा यहां पे, देखो मैक्सिमा मुझे चाहिए था, पाथ डिफरेंस चाहिए था, पाथ डिफरेंस देखो ये जो वन वेव है ये कितना चला, सर्कल का आधा, सेमी सर्कल यानी पाई आर, और ये कितना चला बेटा, ये चला डी प्लस टू आर। मैं लिख देता हूं प्लस माइनस, तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, वो वैल्यू गिवन होगी। तो अभी अपन लिख देते हैं पाई आर, ये तो गया एक का पाथ माइनस। दूसरे की अगर बात करूं, एक काम करता हूं इसके नीचे लिख देता हूं माइनस, देखो बेटा इसका पाथ कितना है डी प्लस टू आर प्लस डी, डायमीटर जितना, तो d प्लस टू आर प्लस डी, करेक्ट बेटा। और ये जो पार्ट डिफरेंस आया बेटा ये कितना होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए। आई होप बेटा आपको समझ आया होगा। अगर इसी की जगह मैक्सिमा बोल देता इसी क्वेश्चन में तो मैं ये डेल्टा x को n लैम्डा की जगह क्या लिख देता, 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2 लिख देता। समझे बात को, दिस इज हाउ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। इस तरह से बेटा पाथ डिफरेंस या पथांतर पे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसी का एक और एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ सिर्फ जस्ट समझाने के लिए कि भाई हमने क्या किया, ए और बी देखो आपको दिखाई दे रहे हैं, दो स्पीकर हैं तो ऑब्वियसली ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे। हमने किसी तरह से मान लिया कि ये कोहेरेंट है, इमेजिनरी, जो भी अपने को लेना देना नहीं। तो बेटा होगा क्या कि ये भी लैम्डा का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये भी लैम्डा का प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो होगा क्या बेटा, ये जो है इसका साउंड ऐसे करके इस आदमी के पास जाके जो दिख रहा है ना अजीब सा आदमी, ये अपना क्या है ऑब्जर्वर है, ये सुन रहा है, इसके पास कान है दो, देखो ये रहा ये वाला और ये वाला, इससे सुनता है, ठीक है। तो एक वेव तो ऐसे गई और एक वेव बेटा इससे सीधे सीधे आ गई, सीधे सीधे, समझ गए आपको। आपको डेटा कैसे देगा, बोलेगा भैया ये तो 3 मीटर है, ये तो 4 मीटर है, और ये ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो बोलेगा फिर से वही चीज, इसको मैक्सिमा सुनाई देना चाहिए। अरे इसको मैक्सिमा सुनाई देना चाहिए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैक्सिमा सुनाई देते तो सुनाएंगे, क्या दिक्कत है, कैसे करोगे अभी बता दो, कैसे करोगे तुम बताओ यार, तुम खुद बता दोगे डेल्टा एक्स कितना होगा। आपके दिमाग में आ रहा है, मुझे पता है जो आ रहा है वो सही है, जो तुम सोच रहे हो मेरे को पता चल रहा है सही सोच रहे हो। क्या कर दोगे, 4 मीटर ये चला, 5 मीटर ये चला, तो कुल मिला के बेटा पाथ में डिफरेंस कितना आ गया 5 माइनस 1, यही सोच रहे थे ना, बराबर एन लैम्डा। अगर इसी की जगह बोलता नहीं हमें तो क्या चाहिए मिनिमा, तो 2n+1 लैम्डा बाय 2। तो बेटा इस तरह से आपको ना अलग 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 सिस्टम बनाएंगे। मैं 1000 तो ले नहीं सकता, तो मैंने 2 ले लिए कॉमन से सिस्टम, और इन दोनों के अंदर मैंने क्या निकाला, पाथ डिफरेंस यानी लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द वेव्स, और फिर उनके डिफरेंस को किससे इक्वेट कर दिया, मैक्सिमा है तो एन लैम्डा, मिनिमा है तो 2n+1 लैम्डा बाय 2। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर बेटा ये समझ आ गया तो विद दिस इंटरफेरेंस का कुछ कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया, इनफैक्ट काफी हद तक कंप्लीट हो गया, राइट। और अब आपसे ज्यादातर क्वेश्चन बेटा बन जाएंगे, राइट। तो आप ट्राई करना और मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा अगले पार्ट के लिए, है ना। जो अगला पार्ट है वो थोड़ा ध्यान से सुनना और इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा लेंदी कर रहा हूं। मैंने इसमें ऑलरेडी बेटा क्या क्या कवर कर दिया, देखो रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन ट्रिकी पार्ट था कवर कर दिया, इंटरफेरेंस ट्रिकी पार्ट है वो कवर कर दिया। अब मैं अगले पार्ट पे जा रहा हूं, दैट इज स्टैंडिंग वेव्स। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा और बियर करना मेरे साथ प्लीज, राइट। देखो ये पार्ट थोड़ा आराम से और जल्दी से खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना इसे कैसे कर रहे हैं, राइट, है ना, कैसे इसे अच्छे से समझना है। हमने कहा भाई नाम से तो कुछ कुछ समझ आ जाता है कि स्टैंडिंग वेव की बात हो रही थी। किस तरह की वेव की बात हो रही थी बेटा, स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग यानी कि ये वेव स्टैंड करती होंगी, स्टैंड करती होंगी मतलब ये मूव नहीं करती होंगी, मूव नहीं करती होंगी मतलब ये स्टेशनरी रहती होंगी, स्थिर अवस्था में। इसीलिए बेटा सबसे पहली चीज जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि स्टैंडिंग वेव की स्पीड कितनी होती है, 0। इसमें कोई ओमेगा बाय के का फॉर्मूला नहीं लगाना, स्टैंडिंग वेव्स का मतलब उसकी स्पीड क्या होगी, 0। क्यों, बिकॉज इट इज स्टैंडिंग, रुकी हुई है, खड़ी हुई है, आगे नहीं जा रही है। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई। अब समझते हैं ये होती क्या है, देखो आराम से समझता। मैंने क्या किया बेटा, एक वेव ऐसे ली प्लस एक वेव मैंने ऐसे ली, ठीक है। इसको इधर लेके जा रहा था, इसको इधर लेके आ रहा था, दोनों को सुपर इम्पोज करा दिया अध्यारोपण। जैसे ये कराया बेटा मुझे कुछ ऐसा मिला, ये वाला पार्ट ऐसे और ये वाला पार्ट ऐसे,
समझ गए बात को, ये इसके नीचे आ गया, ये इसके नीचे आ गया, यानी इफेक्टिवली इफेक्टिवली बेटा ये वाला पार्ट और ये ऐसे पार्ट मिला मुझे, समझ गए। अब देखो उसको थोड़ा और समझाता हूँ, ऐसे समझो कि एक रस्सी है, एक रस्सी है, दोनों हाथों से बांध रखी है आपने, पकड़ के रखा हुआ है, गिटार की स्ट्रिंग समझ लो ठीक, और मैंने क्या किया बीच में से पकड़ के इसको खींच के छोड़ दिया, तो जैसे ही छोड़ा तो ये पूरी की पूरी रस्सी नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, तो इफेक्टिवली मुझे ऐसा दिखाई दिया कि सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर जाते हैं, फिर एक साथ नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, वाइब्रेट करते हुए दिखाई देती है, आगे चलते हुए नहीं दिखाई देती। इसी की जगह एक स्ट्रिंग को एक एंड से बांध रखा और ऐसे झटका दे दिया जर्क, तो ये वेव आगे जाते हुए दिखाई देगी, लेकिन अगर दोनों एंड से बांध रखा और खींच के छोड़ दिया बेटा तो मुझे वेव क्या करेगी, ऐसे ऐसे करते हुए दिखाई देगी। समझ गए बात को, अंडरस्टूड। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसके अंदर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, है ना, बताना चाह रहा हूँ कि भाई स्टैंडिंग वेव जो ना हमें ऊपर नीचे चलती हुई दिखाई देती है, मतलब ऑसिलेट करते हुए दिखाई देंगे पार्टिकल, लेकिन वेव आगे चलते हुए नहीं दिखाई देगी। तो इस तरह की जो वेव बनती है उसे स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। अगर दो एंड पे बांध रखा है तो बेटा एक लूप बनेगा, उससे ज्यादा लूप भी बन सकते हैं। जैसे इस केस में अगर देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये और ये सारा एक साथ ऊपर और नीचे गया, इसके बाद ये नीचे गया और ये ऊपर आया, फिर ये नीचे गया और ये ऊपर आया, फिर नीचे गया और ऊपर आया, यानी हर लूप ऊपर नीचे जा रहा है, हर लूप ऊपर नीचे जा रहा है, बस ये है कि ये ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे, लेकिन ये आगे जाते हुए नहीं दिखाई दे। इसलिए ये भी एक एग्जाम्पल किसका है, स्टैंडिंग वेव का है। समझे बेटा मेरी बात को। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी कि स्टैंडिंग वेव बनती कैसे है। भाई स्टैंडिंग वेव बनती है बेटा सुपरपोजिशन ऑफ वेव से। सुपरपोजिशन ऑफ कैसी वेव से बेटा, दो वेव से जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो, ठीक है। तो जब वो सुपर इम्पोज करे इस तरह से कि वो स्टैंडिंग दिखाई दे, स्टैंडिंग अपीयर हो, चलती हुई ना दिखाई दे, तो फिर बेटा उन्हें बोल देंगे स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, करेक्ट। तो मैं लास्ट बार बता रहा हूं एक बार फिर से, किसी भी रस्सी को पकड़ के खींच के छोड़ोगे तो वो ऊपर नीचे जब जाएगी तो पार्टिकल अपनी जगह ऑसिलेट तो करेगा, वेव हमें ऊपर नीचे जाती हुई, मतलब जो स्ट्रिंग है वो ऊपर नीचे जाती हुई दिखाई देगी, आगे चलते हुए नहीं दिखाई देगी। इसलिए हम इसे कहते हैं स्टैंडिंग वेव, जो अपनी जगह पे खड़ी हुई, ठीक। इसलिए इसकी स्पीड भी क्या बोली, जीरो। अब बेटा देखो मैं इसकी ना इक्वेशन भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन निकल के आती है ना बेटा, वो दो फॉर्मेट में निकल के आती है, 2a sin kx cos omega t, या फिर और y इक्वल टू 2a cos kx sin omega t। तो बेटा दिमाग से अगर देखोगे, दिमाग से अगर देखोगे थोड़ा सा, तो ये और ये एम्पलीट्यूड की तरह काम करता है। देखो x के साथ साथ ये बदल रहा है ना, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। बदलना भी तो चाहिए, दिमाग से सुनना, दिमाग से, दिमाग से। यहां अगर देखोगे बेटा, यहां एम्पलीट्यूड देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर नीचे बढ़ना शुरू किया, बढ़ता करता मैक्सिमम, फिर घटता लगा, फिर घटने लगा, फिर जीरो। समझ गए बात को। यानी यहां पर जब अलग अलग एक्स पे अगर आप जाओगे बेटा, है ना, अलग अलग एक्स पे अगर आप जाओगे, ठीक है, तो अलग अलग एक्स पे जाने पे आपको ये दिखाई देगा कि अलग अलग एम्पलीट्यूड है पार्टिकल का। जो पार्टिकल, ध्यान से सुनना बेटा, जो पार्टिकल यहां पे था, ये पार्टिकल इतने एम्पलीट्यूड से करता है, जबकि जो पार्टिकल यहां था वो सिर्फ इतना एम्पलीट्यूड रखता है, यहां वाला इतना रखता है, यहां वाला इतना रखता है, यहां वाला इतना रखता है, यानी अलग अलग एक्स पे अलग अलग एम्पलीट्यूड। इसीलिए ये पूरा 2a sin kx या पूरा 2a cos kx क्या बन जाता है, एम्पलीट्यूड बन जाता है। क्या बन जाता है, एम्पलीट्यूड बन जाता है। समझे मेरी बात को, क्लियर। और ये जो बच गया वो क्या है, कॉज ओमेगा या साइन। अगर इसे एम्पलीट्यूड बोल दिया ए डैश, तो आप खुद सोचो क्या ये आपको बेटा, क्या ये आपको एसएचएम की इक्वेशन जैसा नहीं दिखाई दे रहा। देखो जरा ध्यान से, ए साइन ओमेगा टी, ए कॉज ओमेगा टी, बेटा वही तो हो रहा है, सारे पार्टिकल सिर्फ ऑसिलेट तो कर रहे हैं। अंडरस्टूड, ऐसा होता बेटा, ठीक है। तो इस पे आप बोलोगे सर क्वेश्चन कैसे बनेगा, बताओ जरा। तो बेटा पहला क्वेश्चन तो आपको ये नहीं बोलेगा कि स्टैंडिंग वेव की स्पीड बताओ, वो तो आपको पता ही है जीरो है। आपको बोलेगा एक वेव की इक्वेशन ये है, इसकी स्पीड बताओ। तो बच्चे यहां से ओमेगा निकालते हैं, के निकालते हैं, और ओमेगा बाई के निकाल के टिक करके आते हैं और खुश हो जाते हैं, अरे हां हमारा तो सही हो गया आंसर। जबकि फैक्ट क्या है, ये इक्वेशन देते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, अरे ये तो स्टैंडिंग वेव है, ये तो रुकी हुई है, ये तो चल ही नहीं रही है, इसका स्पीड क्या है, जीरो है। बोले हाँ सर, अब ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया पहला सवाल। दूसरे तरह का सवाल बेटा आपसे जो पूछा जाएगा वो मैं समझाता हूं,
वो थोड़ा सा थियोरेटिकल है, मुझके लिए मुझे ये सब हटाना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आपसे एक तो ही बोला जाएगा कि x बराबर लैम्डा बाय 4 पे एम्पलीट्यूड बता दो, x बराबर इतने पे एम्पलीट्यूड बता दो, तो वो आप निकाल लोगे। कैसे? क्योंकि एम्पलीट्यूड 2a sin kx या 2a cos kx होगा, तो x का वैल्यू डालना, एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ये दूसरा तरह का सवाल। तीसरा सवाल बेटा जो काम का है वो ध्यान से सुनना, आपको यही वेव दे रखी होगी, ठीक। इसको मैं थोड़ा दोबारा से ऊपर बना देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको ऐसे दे रखी होगी, ठीक, इस तरह से, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, राइट। तो बेटा यहाँ पे आपको बोलेगा कि ये जो पॉइंट्स है ना, देखो ये जो पॉइंट्स है, एक तो ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट है। इन तीनों को अगर देखोगे, इनके एम्पलीट्यूड क्या है? जीरो, क्योंकि ये तो यहीं पे ऑसिलेट नहीं कर रहे। तो जिनका एम्पलीट्यूड बेटा जीरो होता है, है ना, जिनका एम्पलीट्यूड क्या होता है, जीरो, बेटा उनको हम लोग क्या कह देते हैं, नोड कह देते हैं, नोड। तो आपसे नोड की बात कर सकता है, नोड आर द पॉइंट्स ऑफ जीरो एम्पलीट्यूड। इसी तरह से बेटा जिन पॉइंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसे क्या बोल देते हैं, ए, ए बोल देते हैं बेटा, समझ गए बात को। तो ये जो ए वाला पार्ट है बेटा, इसको बोलते हैं एंटी नोड, मतलब पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। देखो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड रखा हुआ है, समझ गए बात को। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले क्या होती है, एंटी नोड्स होती है। जीरो एम्पलीट्यूड वाले या मिनिमम एम्पलीट्यूड वाले कितने होते हैं, नोड्स होते हैं, ठीक है। और बेटा आपसे थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हमें तो ये बताओ, हमें तो ये बताओ कि एक नोड और दूसरी नोड जो कॉन्सिक्यूटिव है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, या बोलेगा एक एंटी नोड और दूसरी एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, या बोलेगा एक एंटी नोड और एक नोड के बीच का डिस्टेंस कितना है। बेटा तीनों चीजें आपको आती हैं। देखो कैसे, आप देखो नोड और नोड का मतलब आधी वेव, इसका मतलब लैम्डा बाई टू। एक एंटी नोड और दूसरी एंटी नोड मतलब फिर से आधी वेव, लैम्डा बाई टू। एक एंटी नोड और एक नोड मतलब 1/4 वेव, लैम्डा बाई फोर। तो कभी भी दो कॉन्सिक्यूटिव नोड्स या एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस पूछेगा तो आप क्या बता दोगे, लैम्डा बाई टू। एक नोड और एडजेसेंट अगली एंटी नोड के बारे में पूछ लेगा, नोड और एंटी नोड, तो लैम्डा बाई फोर। एक इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट बेटा। इतनी बात समझ आ गई है हो? अगर बेटा इतनी बात समझ आ गई तो अब हम आगे चलेंगे इस पूरे स्टैंडिंग वेव के कोर पे। तो एक तो ये हो गया नोड एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस, है ना, इस तरह के क्वेश्चन जो आ गए, वेव की स्पीड, ये तो बिल्कुल ही बेसिक हो गए। अगला जो सेट ऑफ क्वेश्चन बनता है बेटा, उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई स्टैंडिंग वेव बनती कैसे है। मतलब ये कि एक स्ट्रिंग पे स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है, एक पाइप पे स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है, पाइप बोले तो ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप पे कैसे बनती है, ओपन ऑर्गन पाइप पे कैसे बनती है, और फिर जाकर के उसके बेस सवाल, करेक्ट। तो ऑलरेडी आई नो कि ये लेक्चर खींच चुका है काफी सारा, बट स्टिल बेटा ये वाला टॉपिक मैं कंटिन्यूटी में डालना चाह रहा हूं, है ना, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है आई नो, बट ये पूरा कंटिन्यूटी में, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ब्रेक ले लो, ठीक है, ठंडा पानी पी लो आराम से इत्मीनान से, और फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करना, क्योंकि ये पूरा एक ही टॉपिक चल रहा है, बीच में तोड़ दोगे तो खराब हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को भी ब्रेक नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो आप लोग ठंडा पानी पी लो, मैं इस लेक्चर को आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा पानी मैं भी पी लेता हूँ, करेक्ट। तो लेट्स मूव अहेड। तो बेटा आप, तो बेटा स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा स्टैंडिंग वेव्स, हम किसकी बात करने जा रहे हैं, स्टैंडिंग वेव्स की, राइट। और बेटा स्टैंडिंग वेव्स भी किस पे, एक स्ट्रिंग के ऊपर, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। तो देखो स्टैंडिंग वेव्स और स्ट्रिंग का मतलब आपने एक रस्सी ली, स्ट्रिंग ली, और उसके ऊपर स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट करने की कोशिश की। बेटा ये ना थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ढंग से समझना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सबसे सिंपल बात की, सबसे सिंपल एक जो पॉसिबिलिटी है बेटा लूप की, वो ये वाली है, ये सबसे सिंपल पॉसिबिलिटी है। क्या इतनी बात समझ आती है, यानी कि एक नोड इधर, एक नोड इधर, एक यहां पर कितना है बेटा, एंटी नोड। ये जो n इक्वल टू 1 है, आप कह सकते हो कि n इक्वल टू 1 का मतलब हो गया नंबर ऑफ एंटी नोड्स या नंबर ऑफ नोड्स माइनस 1, ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक। यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा, तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी मान लेता हूं, l। स्ट्रिंग की लेंथ को मैंने कितनी मान लिया, l। तो क्या मैं यहां से सीधे सीधे बोल सकता हूं कि बेटा l बराबर कितना, लैम्डा बाय 2, ठीक है, क्योंकि जो लेंथ है ये आधी वेव के बराबर है, तो l बराबर लैम्डा बाय 2। और हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है अपने पास, v बाय लैम्डा। देखो यहां से 2 को इधर लेके जाओगे तो लैम्डा कितना निकल के आएगा बेटा, v बाय 2 l।
यानी हमें ये पता लग गया बेटा कि n इक्वल टू वन पे है ना, जब आपके पास एक नोड और दो एंटी नोड हो, मतलब सबसे कम पॉसिबल जो सिंपल फंडामेंटल लूप बनेगा उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी v बाई टू अलग है। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसान है यहां तक। मैंने कहा एक स्टेप आगे लेके चलते हैं, एक मोड आगे लेके चलते हैं, एक काम करते हैं yt बनाते हैं, एक मोड आगे लेके चलते हैं बेटा इसको। एक मोड जब आगे लेके चलेंगे तो देखो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये क्या बन गया है नोड, यहाँ पे भी क्या है नोड, यहाँ पे क्या है नोड, यहाँ पे क्या है एंटी नोड, यहाँ पे क्या है एंटी नोड, तो कुल मिला के दो एंटी नोड और तीन एंड नोड। ठीक, यानी कि ये जो n इक्वल टू टू है वो इफेक्टिवली क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एंटी नोड्स बता रहा है। ठीक है बेटा, या नंबर ऑफ हाफ ऑफ लूप्स बता रहा है। यहां पर अगर देखोगे तो एक वेव कंप्लीट है, यानी एल बराबर कितना होगा बेटा लैम्डा। यहां से फ्रीक्वेंसी को फिर से अपन क्या बोल सकते हैं, वी बाय लैम्डा, और ये क्या बन जाएगा बेटा वी बाय एल। आप चाहो तो इसे ये भी बोल सकते हो टू टाइम्स ऑफ वी बाय टू एल, यानी पहले वाले का डबल। बोले ठीक है सर, यहां तक भी बात समझ आ गई। इसके बाद मैंने कहा जब एन इक्वल टू तीन किया तो बेटा तीन के लिए फिर से बिल्कुल वैसी की वैसी कंडीशन, n इक्वल टू थ्री पे देखेंगे तो जो l है वो आपकी बार थ्री लैम्डा बाई टू आएगा, जो f है वो फिर से v बाय लैम्डा, और v बाय लैम्डा बोले तो बेटा ये बन जाएगा थ्री वी बाय टू एल। मतलब हमें एक बात समझ आई, जब n बराबर वन तो v बाई टू एल, जब n बराबर टू तो टू वी बाई टू एल, n बराबर थ्री तो थ्री वी बाई टू एल। तो इसका मतलब जब n बराबर n होगा तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी बेटा n टाइम्स ऑफ v बाय टू एल। अब बोलोगे हाँ सर ये बात तो एकदम क्या है, ये बात तो एकदम सही है, ये बात तो एकदम सही है। समझ गए, मतलब ये कि बेटा n इक्वल टू n के ऊपर अपने को जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो मिल रही है n v बाय टू एल, जहां पे n क्या है इंटीजर, कहां से शुरू हो रहा है बेटा वन टू थ्री एंड सो ऑन। समझ गए बेटा, आराम से समझना। इसके मतलब, इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि जब भी आपको n दे रखा हो तो आप फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकाल सकते हो n v बाय टू एल। बोले ठीक है सर निकाल लेंगे। कोई बोलता है सेवंथ मतलब n बराबर सेवन मतलब सेवन वी बाई टू। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ये n को और कैसे हमें डेटा देगा, हमें बोलते क्या है, तो आराम से सुनना। ये जो n बराबर वन लिखा है ना बेटा आपने, n बराबर वन का मतलब होता है बेटा फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड, नाम से पता चला फंडामेंटल सबसे पहला मूलभूत, करेक्ट बेटा। इसके अलावा इसे कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, ये इसका दूसरा नाम है। एक हो गया फंडामेंटल मोड, एक हो गया बेटा फर्स्ट हार्मोनिक। बहुत ध्यान से सुनना ना, क्या कहा मैंने, फंडामेंटल मोड या फिर फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक, आराम से सुनते जाना। इसी तरह से बेटा अगर कोई बोलता है एन इक्वल टू टू बताओ, तो बेटा एन इक्वल टू टू का मतलब हो गया है ना, एन इक्वल टू टू का मतलब हो गया फर्स्ट ओवर टून, फर्स्ट ओवर टून, हमेशा एन इक्वल टू टू क्या होता है फर्स्ट ओवर टून। इसके अलावा, इसके अलावा देखो ये जो सेकंड आया ना ये पहले का डबल है, इसलिए इसे हम कहते हैं बेटा सेकंड हार्मोनिक। हार्मोनिक का मतलब कितने टाइम से पहले वाले का, तो n इक्वल टू टू का मतलब क्या हो गया बेटा सेकंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवर टू। इसका मतलब, इसका मतलब अगर कोई मुझे बोले कि भाई n बराबर n पे बताओ क्या होगा, तो क्या मैं n बराबर n को बोलू, या तो आप इसे बोलो nth हार्मोनिक, ओहो बहुत बढ़िया, क्या बोलेंगे बेटा nth हार्मोनिक, या फिर आप खुद देखो 2 पे हमने क्या बोला है फर्स्ट ओवरटोन, तो nth पे क्या बोलेंगे बेटा n माइनस वनथ ओवरटोन। आई होप बेटा आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा, करेक्ट। तो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे बेटा तो ये जो फॉर्मूला अपने पास निकल करके आ गया एन वी बाई टू एल, यहाँ पे इफेक्टिवली, इफेक्टिवली बेटा n का क्या मतलब निकला, इफेक्टिवली बेटा यहाँ पे n का मतलब निकल के आता है nth हार्मोनिक या n माइनस वनथ ओवरटोन। तो कभी भी आपको बोलता है कि भाई मेरे पास तो टेंथ हार्मोनिक है, तो इसका मतलब n बराबर 10। कोई बोलता है मेरे पास तो 13th ओवरटोन है, तो मतलब n माइनस वन 13 है, तो n अपने आप वहां से क्या आएगा 14 आएगा। फिर जैसे ही n पता लग गया फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का अपने पास कितना है n v बाई टू। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसी में सवाल को बेटा थोड़ा एक स्टेप आगे लेके जाना है, तो ये जो v है ना इसकी बात कर लेगा कभी कभी, और ये जबकि v आपको पहले से पता है स्पीड ऑन स्ट्रिंग, ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट में बताया था मैंने, नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लेना, करेक्ट। ये कितना निकल के आता बेटा रूट टी बाय म्यू, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं और स्ट्रिंग के अंदर बेटा स्पीड का फॉर्मूला क्या था रूट टी बाय म्यू।
आई होप बेटा ये क्लियर हो गया होगा। इसे आराम से एक बार और देख लो, मैं जगह देता हूँ, आराम से कॉपी कर लो, समझ लो, दिमाग में बिठा लो, घोल के पी जाओ, क्योंकि अगले जो दो ऑर्गन पाइप्स है ना वो इसकी तरह ही है बिल्कुल। ये समझ आ गया तो वो तो बिल्कुल ही हलवा है फिर आपके लिए, समझ गए? तो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो देखो स्टैंडिंग या लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्टैंडिंग लॉन्गिट्यूडनल क्यों बेटा, साउंड वेव की बात कर रहा हूं, वो लॉन्गिट्यूडनल, और किसके अंदर बात कर रहे हैं बेटा, ऑर्गन पाइप्स। अब अपने पास दो तरह के ऑर्गन पाइप है, आराम से समझना। एक बेटा इसे कहते हैं ओपन, ओपन ऑर्गन पाइप। आप बोलोगे क्यों, मैं बोलूंगा अरे भैया नाम देखो, नाम ओपन, दोनों एंड से ओपन है, तो जो पाइप दोनों एंड से ओपन हो उसे अपन क्या बोल देंगे बेटा, ओपन ऑर्गन पाइप। और ये देखो एक एंड से क्लोज्ड है, जब एक एंड से क्लोज्ड है तो बेटा इसे क्या बोल देंगे, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। समझ गए बात को? तो यानी कि यहां पे अपने पास एक ओपन हो गया और एक क्या हो गया बेटा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो गया। कि क्या हो गया, क्लोज। देखो मैं अच्छा लिखने की कोशिश करता हूं, कोशिश क्लोज्ड पर वैसे ही लिखता हूं, ठीक है? तो ओपन और क्लोज हो गया बेटा। अब देखो अच्छे से समझना बेटा ना, इसको करना कैसे है, ठीक है? करना कैसे है, पहले अपन बात करते हैं ओपन की। आराम से देखना कितना हलवा है। क्या ये जो पाइप की लेंथ है उसे एल बोल दूं? ये 1/4 वेव, ये भी 1/4 वेव, ओपन है तो बेटा दोनों तरफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा, एंटी नोड और एंटी नोड, बीच में क्या आएगा, नोड। तो ये इस तरह से वेव बनती है, ठीक है? अब देखो लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 का मतलब क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। अब बोलोगे सर ये तो स्ट्रिंग में भी ऐसा ही था, मैंने कहा बिल्कुल था, मैं मना ही नहीं कर रहा। फिर लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 2 और ये लैम्डा बाय 4, दोबारा बोलता हूं लैम्डा बाय 4 क्योंकि ये 1/4, ये आधी वेव है तो लैम्डा बाय 2, फिर 1/4 तो लैम्डा बाय 2। यानी इफेक्टिवली अगर देखोगे बेटा तो यानी कि यहां पर अगर इफेक्टिवली देखोगे तो ये टोटल कितनी हो गई, एक वेव जितनी हो गई, लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4। यानी यहां पर बेटा एल बराबर कितना, लैम्डा। अब बोलोगे सर ये तो वापस स्ट्रिंग वाला हो गया, मैंने कहा एक स्टेप और अगर आगे जाओगे ना तो भी वापस मिलेगा, एल बराबर 3 लैम्डा बाय 2। यानी इफेक्टिवली ये जो ओपन पाइप है बेटा इसका फॉर्मूला एग्जैक्टली वैसे ही चलता है जैसा कि स्ट्रिंग का, समझ गए? तो आप बोलोगे अच्छा इसका मतलब F यहां पर भी क्या हो गया, NV by 2L हो गया। मैंने कहा बिल्कुल हो गया। यहां पर इसका मतलब N का मतलब क्या हुआ, वही nth हार्मोनिक, वही यहां पर अगर देखूंगा तो N का मतलब nth हार्मोनिक। अगर मैं बात करूं ओवरटोन तो N-1th ओवरटोन। अब बोलोगे सर तो बिल्कुल वैसा ही है, मैं तो कह ही रहा था वैसा ही। फिर आप बोलोगे कोई तो अंतर होगा, मैंने कहा है एक अंतर है, वहां पे स्पीड क्या लिखी थी, रूट टी बाई म्यू क्योंकि स्ट्रिंग था, यहां पर बेटा क्या है, पाइप साउंड, राइट? तो बेटा यहां जो स्पीड का फॉर्मूला निकलेगा वो लगेगा रूट बी बाय रो, यानी कि स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ मीडियम, वहां ट्रांसफर थी, यहां पे क्या है लॉन्गिट्यूडनल है, बस ये इकलौता फर्क है, बाकी एग्जैक्टली सेम। समझ गया बेटा, आई होप आपको ओपन पाइप क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा क्लोज पाइप की, है ना? ये थोड़ा ध्यान से सुनना, है ना? अब मैं बात करने जा रहा हूं क्लोज वो वाला, देखो थोड़ा दिमाग से सुनना। एक एंड क्लोज होने का मतलब बेटा एक तरफ यहां नोड ही बनेगा और एक तरफ यहां एंटी नोड ही बनेगा। यानी जब क्लोज पाइप होते हैं ना बेटा, इसको मैं बना देता हूं, इसके अंदर क्या होगा, एक स्टेप अगर आगे लेके जाओगे बेटा तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है? तो भी इफेक्टिवली देखोगे तो ये नोड नोड एंटी नोड एंटी नोड, यानी इफेक्टिवली अगर देखोगे तो बेटा सेम नंबर ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स, एक नोड एक एंटी नोड, दो नोड दो एंटी नोड। अब इसको देखते हैं, थोड़ा सा पेशेंस के साथ बेटा होल्ड करना, थोड़ा पेशेंस के साथ और समझना। यहां पर ये 1/4 वेव है, यानी एल बराबर कितना, लैम्डा बाय 4। तो यानी कि यहां अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं बेटा तो वी बाय लैम्डा फॉर्मूला था, वी तो वी, लैम्डा की जगह बेटा कितना, वी बाय 4L, ये हो गया एक पार्ट। यहां जब चलूंगा आधी वेव लैम्डा बाय 2, 1/4 वेव लैम्डा बाय 4, तो कुल मिलाकर के एल बराबर 3 लैम्डा बाय 4। यानी कि यहां से जब एफ निकालूंगा तो बेटा ये निकलता है 3V/4L। एक स्टेप और आगे लेके जाऊंगा तो बेटा एफ निकल के आएगा 5V/4L। तो आपके दिमाग में भी घंटी तो बजी चुकी होगी कि भाई वी बाय 4L, फिर 3V/4L, फिर 5V/4L, मतलब 1:3:5 में चल रहा है ये तो। हाँ बिल्कुल, यानी कि यहां पर अगर मुझे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला चाहिए जनरल, तो बेटा ये बनेगा 2N+1V/4L, ठीक है? इनफैक्ट अगर मुझे n इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है बेटा तो मुझे यहां पे प्लस की जगह क्या लगा देना चाहिए, अरे हट जा,
यहाँ लगना चाहिए बेटा माइनस, समझ गए? क्योंकि n बराबर जब 1 डालोगे तो देखो n 1 पे कितना आएगा, 2 माइनस 1 इज 1, तो v बाई 4l। जब n बराबर 2 डालोगे, ठीक है, n बराबर, देखो ये n बराबर 1 के लिए ही है पूरा का पूरा, दोनों के लिए, तो यहाँ पे n बराबर 2, n बराबर जब 2 डालोगे तो 2 2 जब 4 माइनस 1 3 v बाई 4l, n बराबर 3 डालोगे तो 3 2 जब 6 माइनस 5 5 v बाई 4l, क्लियर? तो बेटा ये तो बना फॉर्मूला, अब थोड़ा ध्यान से सुनना कि इसको इसको इसमें डिफरेंस क्या है क्लोज पाइप में और इसमें, और ये काम की चीज़ है, ये थोड़ा सा अलग है स्ट्रिंग्स और इससे। तो देखो बेटा क्लोज में, एक तो देखो जब आप बात करते थे ओपन पाइप और स्ट्रिंग तो V बाई 2L का रेशियो निकल के आता था, जब हम बात कर रहे हैं बेटा क्लोज ऑर्गन पाइप तो हम V बाई 4L की टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक। इसके अलावा बेटा यहाँ पर N का मतलब होता है, N इक्वल टू N का मतलब होता है बेटा, या तो आप बोल दोगे, दिमाग से सुनना, 2n माइनस 1th हार्मोनिक, 2 माइनस 1th हार्मोनिक। अब बोलोगे सर मैं समझा नहीं, आप बिल्कुल 1 से बताओ, बताता हूं। ये n इक्वल टू 1 था, n इक्वल टू 1 का मतलब होता है बेटा फंडामेंटल, सेम, कोई चेंज नहीं है, फंडामेंटल या फिर फर्स्ट हार्मोनिक, सेम, कोई चेंज नहीं है। यहां पे n इक्वल टू 2 था, ठीक, n इक्वल टू 2 का मतलब था फंडामेंटल के बाद क्या आता है, फर्स्ट ओवरटोन, नो चेंज, फर्स्ट ओवरटोन नो चेंज एज इट इज, फर्स्ट ओवर टोन नो चेंज। लेकिन बेटा इसके अलावा देखो ध्यान से सुनना, v बाय 4l 3 v बाय 4l, ये पहले का 3 गुना है, काम की बात बता रहा हूं, 3 गुना, इसलिए ये सेकंड की जगह क्या बन जाता है, ये थर्ड हार्मोनिक बन जाता है, थर्ड हार्मोनिक, मैंने क्या कहा बेटा क्या बन जाता है, थर्ड हार्मोनिक, कारण क्या है, क्योंकि ये 3 टाइम्स है पहले, फिर इसके बाद देखोगे तो 5 का मतलब फिफ्थ हार्मोनिक, ओवरटोन वही सेकंड होगी, तो कुल मिला के ओवरटोन वही रहती है, फंडामेंटल वही रहती है, बस आपकी बार फर्स्ट के बाद थर्ड हार्मोनिक, फिर फिफ्थ हार्मोनिक, फिर सेवंथ हार्मोनिक, ऑड हार्मोनिक्स होती है बेटा, इसीलिए मैंने यहां 2n माइनस 1 लिखा। आप n बराबर 1 डालोगे तो क्या आएगा, 1 फर्स्ट आ जाएगा, n 2 डालोगे तो थर्ड हार्मोनिक, n 3 डालोगे तो फिफ्थ हार्मोनिक, समझ गए बात को? बोले हां सर। इसके अलावा बेटा ओवरटोन में नो चेंज, यानी वही n माइनस 1 ओवरटोन, समझ गए? और बेटा स्पीड में यहां पर भी कौन सा फॉर्मूला आएगा, रूट बी बाय। तो आई होप, मुझे ये एक्सपेक्टेड है कि आपको वेव मतलब ट्रांसवर्स वेव जो स्टैंडिंग वेव थी ऑन स्ट्रिंग क्लियर है, वो एग्जैक्टली सेम किसका जैसा है, ओपन ऑर्गन पाइप, दोनों में बस इतना याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एन वी बटा 2L, जहां पर n का मतलब है nth हार्मोनिक या n माइनस 1th ओवरटोन, खत्म बात। इसके बाद क्लोज पाइप का जो फॉर्मूला है 2n माइनस 1 v बाय 4l, इसके अंदर n का मतलब है बेटा 2n माइनस 1th हार्मोनिक या फिर n माइनस 1th ओवरटोन, करेक्ट। स्ट्रिंग में स्पीड रूट टी बाय म्यू, इन पाइप्स में स्पीड रूट बी बाय रो, बस इतना दिमाग में फिट होना चाहिए। आराम से वीडियो पॉज कर लो आप और एक बार पूरा अच्छे से दिमाग में बिठा लो, प्रॉपर नोट्स बना लो, ठीक है, बीच बीच में वीडियो को पॉज करके, और एक बार गो थ्रू कर लो, उसके बाद इसके क्वेश्चंस पे आना, पहले खुद से ट्राई करना फिर सॉल्यूशन देखना, और उसके बाद इस पार्ट को और लेक्चर को हम कर देंगे बेटा एंड, राइट। तो आई नो लेक्चर थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, बट जैसा कि मैंने कहा क्वांटिटी में मिस नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट है, तो आराम से आप समझना क्वेश्चंस को, आप लोग वीडियो पॉज करके रिवाइज कर लो, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। देखो बेटा पहला क्वेश्चन है ना, दो तीन तरह के सवाल कराऊंगा तो आराम से सुनना। पहला क्वेश्चन है कि बेटा फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, कहा था ना डेटा सर्कल करो, रेजोनेंस का मतलब सेम, थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप, हमें बताना है दोनों की लेंथ का रेशियो। भाई ओपन वाले की लेंथ क्या मान लेते हैं, L1, क्लोज वाले की लेंथ कितना मान लेते हैं, L2 मान लेते हैं। अब देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे इसको, आराम से समझना। हमने कहा फिफ्थ हार्मोनिक, ठीक, आराम से समझना दिमाग से, फिफ्थ हार्मोनिक हमें पता है, फिफ्थ हार्मोनिक मतलब nth हार्मोनिक, तो यानी कि यहां से हम कह सकते हैं n बराबर 5, करेक्ट, क्यों, क्योंकि ओपन पाइप है, और यहां से कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी जो होगी f1 वो हो जाएगी बेटा 5v/2l, कोई दिक्कत, 5v/2l क्योंकि फिफ्थ हार्मोनिक है। दूसरे में कह रहा है बेटा थर्ड ओवरटोन, दिमाग से सुनना, थर्ड ओवरटोन का मतलब n माइनस 1 जो होना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 3, क्योंकि थर्ड ओवरटोन है, n का वैल्यू यहां से कितना आएगा, 4,
करेक्ट। एन का वैल्यू अगर 4 आ गया, फॉर्मूला इसका कितना था, इसका फॉर्मूला था बेटा 2n-1v/4l, तो 2n की जगह 4-1/4l इंटू कितना v। बेटा ध्यान से देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7v/4l, ये l 1 है, इसको 1 कर देते हैं या 2 कर देते, समझे। आप ऐसे भी सोच सकते हो n बराबर 4 का मतलब 2n-1th हार्मोनिक, 2n-1 का मतलब हो जाएगा 7th हार्मोनिक, 7th हार्मोनिक का मतलब बेटा 7v/4l, फर्स्ट हार्मोनिक v/4l, थर्ड हार्मोनिक 3v/4l, फिफ्थ हार्मोनिक 5v/4l, 7th हार्मोनिक 7v/4l। तो बेटा ये आ गया, अब इन दोनों को क्या करना है बेटा, इक्वेट। तो जैसे ही बेटा f1 को f2 से इक्वेट करोगे, यू विल गेट द रेशियो ऑफ l1/l2, आई होप वो आप अपने आप से कर लोगे, क्लियर। तो पहले बेटा इस तरह के भर के सवाल मिलेंगे आपको, जहां पर बोला जाएगा कि भैया इसकी ये वाली हार्मोनिक इसकी ओवरटोन से फलाना डिमका के बराबर है, तो बताओ रिलेशन क्या है लेंथ ऑफ द पाइप में। आई होप यू विल बी एबल टू डू इट, करेक्ट। अगर ये सवाल आगे अच्छे समझ आ गया तो बेटा आगे बढ़ना, थकना नहीं है बेटा, मैं भी थक जाऊं, मेरे को खुद को थकावट हो रही है, तुम नहीं थकना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, है ना, अच्छे से ट्राई करना, थोड़ा एनर्जी के साथ, है ना, बिल्कुल लो नहीं होना बेटा, बिल्कुल एनर्जी के साथ, बिल्कुल क्वांटिटी के साथ। ब्रेक चाहिए तो वीडियो पॉज करके ब्रेक लेना, लेकिन डल ब्रेन से मत सुनना, ठीक है। तो देखो एग्जांपल है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन अ पाइप प्लेस्ड इन एयर इज एफ, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ दे दी, किसमें, ये एयर में रखा हुआ है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ, सही है। और बेटा ध्यान से देखो, एयर में रखा है तो इसका मतलब ये पाइप कैसा होगा, ये पाइप होगा बेटा ओपन, L लेंथ का पाइप, L लेंथ का। अब बोला कि बेटा इसकी फंडामेंटल निकालो जब इसे लिक्विड में डाल दिया, तो देखो लिक्विड में डालते बेटा दो चेंजेस आ जाते हैं, दो चेंजेस। पहला चेंज तो ये आता है कि लिक्विड में डालने पर ये जो एंड है ये क्लोज हो गया, तो जो पाइप ओपन था अब ये पाइप कैसा बन गया बेटा, क्लोज बन गया। दूसरा, आधा पानी के अंदर क्या, खाली आधा बच गया, तो लेंथ ऑफ द पाइप भी कितना रह गया, एल बाई टू। और इसमें फंडामेंटल पूछा है, देखो कितना ही आसान सवाल है, फंडामेंटल क्लोज पाइप के लिए फॉर्मूला क्या था, वी बाय फोर एल, लेकिन एल की जगह मैं क्या डालूंगा, एल बाय टू डाल दूंगा, सही है, क्योंकि आधी लेंथ रह गई थी, करेक्ट। आप चाहो तो इसको कैपिटल एल लिख सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैं लिख देता हूं कैपिटल एल बाय टू, करेक्ट। और बेटा ये है एफ डैश नए वाले पाइप की, पुराने पाइप की एफ दे रखी है ओपन वाले की, ये तो बहुत ही आसान है। ओपन वाले की अगर बात करूंगा तो ओपन वाला कितना हो जाएगा बेटा, एफ इक्वल टू वी बाय टू एल, पूरा का पूरा। अब इसमें भी तो बेटा मैं वी बाय टू एल को लिख सकता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, यहां से टू कट जाएगा, करेक्ट, तो टू से टू कट जाएगा, तो ये इफेक्टिवली कितना बचेगा, ये वी बाय टू एल ही बचेगा, वी बाय टू एल तो किसके बराबर है, एफ के बराबर, समझे बात को। तो बेटा हुआ क्या कि भाई जो लेंथ थी वो भी आधी हो गई, और जो पाइप का नेचर था वो भी चेंज हो गया। तो जब कभी भी पाइप को लिक्विड में डिप कर देंगे तो अच्छे से ध्यान रखना बेटा कि नेचर बदल जाता है ओपन से क्लोज, और दूसरा लेंथ ऑफ द पाइप बदल जाता है, समझ गए। तो इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आ सकता है, इसे अगर समझ आ गया आपको तो फिर बेटा अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना, आराम से इत्मीनान से फोकस्ड ब्रेन के साथ। आई नो थक रहे होंगे, मैं भी थक रहा हूं, लेकिन ब्रेन फोकस रखना बेटा, नहीं तो ये पूरा मेहनत खराब हो जाएगा लेक्चर का, ठीक है। तो ढंग से अगला सवाल देखो कितना आसान है, बोला 110 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिंग दे रखी है, और उसे आपने कैसे टांग दिया, मैं बताता हूं कैसे टांग दिया, उसे हमने बेटा ऐसे ये ले लिया, ठीक है, 110 सेंटीमीटर की। और अब इसमें मैंने क्या किया बेटा, इसके अंदर मैंने तीन पार्ट्स बना दिए ऐसे, ठीक है, ऐसे तीन पार्ट्स, और मैंने कहा भाई इसका लेंथ L1, इसका लेंथ L2, इसका लेंथ L3, तीनों फंडामेंटल मोड्स में, तीनों फंडामेंटल मोड्स में। तो बोला है कि भाई अगर फंडामेंटल मोड्स का रेशियो 1:3:5 है, तो फिर ये बताओ कि लेंथ का रेशियो कितना आएगा, लेंथ आएगा कितना L1 L2 L3। देखो बोला है ना, सच दैट रेशियो ऑफ फंडामेंटल कितना है, 1:3:5, तो बताओ लेंथ हर प्रोपोर्शन का कितना आएगा, हर पोर्शन का लेंथ कितना है? समझ आया बेटा क्वेश्चन? अगर समझ आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो एक बार दोबारा से देखना, है ना, अच्छे से समझना क्वेश्चन, फिर इसको ट्राई करना। और देखो तरीका कितना आसान है, बिल्कुल एक लाइन में हो जाएगा आराम से, एनर्जी के साथ मैं ही तक रहा हूं, सही बात तो ये। तो देखो F1:2, F2:2, F3, ठीक, ये फंडामेंटल मोड्स, हमें पता है कि भाई फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, NV/2l, मतलब आप बोल सकते हो कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बिल्कुल ठीक। तो अगर फ्रीक्वेंसी का रेशियो बेटा 1:3:5 है, तो हम कह सकते हैं कि लेंथ का जो रेशियो आएगा बेटा वो आएगा 1:3, 1:5,
इसका बेटा अगर एलसीएम ले लोगे तो ये और सिंपलीफाई हो जाएगा, 15:2, ये कितना आ जाएगा 5:2, ये कितना आ जाएगा 3, मेरा भी दिमाग थोड़ा बंद हो रहा है, ठीक है, तो 15 से करोगे तो 15/3, ठीक, तो 15:5:3। और बेटा जैसे ये रेशियो अपने पास निकल करके आ गए, है ना, जैसे ये रेशियो निकल करके आ गए, आप खुद देखो बेटा, हम सीधे सीधे क्या ये बात नहीं बोल सकते कि 15x प्लस 5x प्लस 3x इक्वल टू 110। आप बोलोगे सर ये क्या किया, अरे मैंने कुछ नहीं किया, जो रेशियो दे रखा था ना, तो मैंने मान लिया कि x कोई कंपोनेंट होगा, तो 15x प्लस 5x प्लस 3x L1 प्लस L2 प्लस L3 मिलाकर के टोटल लेंथ 110 दे रखी थी, बस वहीं पे इक्वेट कर दिया भाई। L1 को मैंने कितना बोल दिया, L1 को मान लिया 15x, ठीक, L2 को मैंने कितना बोल दिया 5x, कितना गंदा लिख रहा हूं, L3 को कितना बोल दिया 3x, तो टोटल ऐड करोगे तो 110 सेंटीमीटर, ठीक है 110। और बेटा ये 110 सेंटीमीटर है, अब यहां से x निकालोगे, x निकाल के 15x में डालोगे, क्या कहां से 15 लग रही है, तो 15x में डालोगे तो आपको L1 मिलेगा, 5x में डालोगे तो आपको L2 मिलेगा, 3x में डालोगे तो आपको L3 मिलेगा। विल गेट द आंसर फॉर द लेंथ ऑफ द ईच पोर्शन माई फ्रेंड्स, ईच पोर्शन, राइट, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगले सवाल भी बढ़ते बेटा। यार मेरा नहीं, ये दिक्कत है बहुत बड़ी, मैं क्या खाली पढ़ाता हूँ, मेरे को क्या वो नहीं आता ज़्यादा, क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट होता है ना, तो लेकिन क्या करें, टीचर हैं, ऐसे चलता है, ठीक है, तो आई होप वैसे पढ़ने ही तो आते हो, एंटरटेनमेंट के लिए तो हजार बतेरे वीडियोज पड़े हुए यूट्यूब पे, एक से एक मजा आएगा खूब, ठीक है, तो यहाँ तो पढ़ने के लिए आया तो पढ़ाई करो भाई, अपने को वही आता है, ठीक है, मैं तो ऐसा भी नहीं कि बाल बाल सेट करके आवा मस्त है, अपने नहीं होते अपन पढ़ाते हैं खाली तो देखो, अरे ये तो अगला टॉपिक है, छोड़ दो, ठीक है, तो विद दिस ये अपना बेटा खत्म हो गया है, ये अगले पार्ट का है, बीट्स और डॉपलर इफेक्ट मैं लास्ट पार्ट में कवर करूंगा, तो मैंने पूरा इंटरफेरेंस करा दिया, ठीक है, और आपको ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन वगैरह करा दिया, स्टैंडिंग वेव पूरा खत्म कर दिया, तो अब घर जाके, घर क्या, घर पे तो बैठे, तो आराम से अपना इस पूरे के पूरे वीडियो को बढ़िया से रिवाइज कर लो, फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस लगा लो, सवाल लगा लो, एंड आई होप कि आपसे सवाल हो जाएंगे, और मैंने जो पढ़ाया, जो मेहनत की है, वो आपके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम आएगी। आपको लगता है सच में मेहनत की है, तो यू शुड प्रेस थम्स अप बटन, लाइक द वीडियो, शेयर इट, अपने दोस्तों को भेजो भाई, उनको बताओ कि हाँ एक बढ़िया टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है, मस्त एकदम, ठीक है, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जो लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, है ना, और बेटा तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, जान लगा के मेहनत करो, एग्जाम आएगा, जरूर आएगा, टेंशन नहीं लेना है, कोविड से कुछ नहीं होगा, एग्जाम जरूर आएगा, ठीक है, तो एग्जाम देंगे और बढ़िया रिजल्ट लेके आएंगे, ठीक है, बाय बाय बेटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।